नमस्कार दोस्तों, मैं जिया स्वागत करता हूँ सभी का हमारे YouTube चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं इस वक्त लेके आया आपके लिए, उसमें मैं दो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि मार्केट हमने जो एक्सपेक्ट किया था नीचे जाएगा, तो मार्केट ऑलरेडी नीचे जा रहा है और लगभग इंडियन रुपीज़ में बात करेंगे तो एक बिटकॉइन की कीमत जेड पे 6 लाख के आसपास तक आ चुकी है। ठीक है, तो अभी वापस से मार्केट नीचे आया है और उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत और नीचे आएगा, लेकिन अब आप और हम वैसी मिस्टेक वापिस से ना करें कि और नीचे नीचे की वेट करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस वक्त भी इन्वेस्टमेंट करना सही है तो आप उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्टली 5.5 लाख आ जाएगा या 5 लाख आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक बॉटम पे आ चुका है ये, और जितने भी हमने चार्ट एनालिसिस किए हैं और जो भी इंडिकेटर्स वगैरह को यूज़ किए हैं और बाकी जो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं और भी जितने एनालिस्ट हैं, सब लोग ने जो भी इंडिकेशन हम लोग ने लगाया है, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जैसे कि बिटकॉइन टॉक है, ट्रेडिंग व्यू है, स्टॉक बिट्स है, तो सबका जो अंदाज़ा है लगभग $7,000 से लेके $8,000 के बीच में जाएगा। तो अभी जो कीमत आई है वो लगभग $8,600 के नीचे आया हुआ है और इंडियन रुपीज़ में उसकी कीमत लगभग कुछ 6 लाख का भी चल रही है। ठीक है, तो आप चाहें तो अभी ले सकते हैं, और आप लेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत और नीचे कम आ जाए। तो जैसे मैंने कहा है कि आप जिस रेट पे लेते हैं उसके प्लस और माइनस 1 लाख होना कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं रहती है। अगर आप सोचते हैं कि थोड़ा और वेट करते हैं कि 5.5 लाख आ जाए या 5 लाख आ जाए, इसके चांसेस बहुत कम लग रहा है मुझे भी, क्योंकि इसको सपोर्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। जैसे कि $8,600 का जो सपोर्ट है काफ़ी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि जब भी वहाँ पर टच करता है फिर ऊपर आता है, और उसके बाद से 9,200 और 9,400 का सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो अभी इतना नीचे आया है तो हो सकता है शायद और नीचे आ जाए, लेकिन इस रेट पे भी लेना कोई बुरा नहीं है। भले 5.5 लाख आने दीजिए, 5 लाख आने दीजिए, 5 लाख तो मुझे बहुत कम लगता है कि रेयर केसेस में 5 लाख तक इसका रेट आएगा, क्योंकि जितने भी मार्केट में लोग हैं, जितने भी बायर्स हैं, सभी बॉटम का वेट कर रहे हैं। ठीक है, कि कब बॉटम आए और कब बाय करें, तो सभी लोग इस रेंज में सर्च कर रहे हैं, बाय करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं सब लोग। तो अगर इन केस भी 5.5 लाख तक भी आता है या 5 लाख तक भी आता है, तो इतनी स्पीड से बाइंग होगी कि आपको मौका भी नहीं मिलेगा और आपको ग्रीन कलर का एक बार दिखेगा। तो अगर आप अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। सपोज करिए आपके पास जो भी आपका 100% फंड रखा है आपने, उसमें से 50% आप डाल दीजिए। फिर अगर आपको कम और लगता है कि कम आएगा तो उसमें से वापस से 25% डाल दीजिए और बाकी का 25% आप सेफ रखिए कि आगे चल के आपको एवरेज करने में काम आएगा। पूरा इन्वेस्ट मत करना आप। तो फाइनली ये रेट भी काफ़ी अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने कल के दिन ही मैंने 1 ETH मैंने बाय किया हुआ है और उसमें थोड़ा बहुत रेट कम आ गया है, तो मेरे लगभग मैंने 40,000 के आसपास मुझे पड़ा था और अभी कुछ 36,000 के आसपास रेट चल रहा है, तो 4,000 का प्लस माइनस चलता है। तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इथेरियम लेके रखा हुआ है अभी, तो आपको भी अगर सही लगता है तो आप अपने हिसाब से सोच के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात किया बिटकॉइन के बारे में कि उसे बाय करना है कि नहीं करना है और क्या सही रेट रहेगा। अब बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट आपको मैं न्यूज़ देने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि वजीर एक्स कॉइन के बारे में, ठीक है, कि वजीर एक्स कॉइन कैसा है और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, वजीर एक्स कॉइन के बारे में आज पूरी स्टडी कर ली ऑलरेडी क्या है, और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि वजीर एक्स का जो ऑफिस है मुंबई में, ठीक है, वाशी में, नवी मुंबई में उसका ऑफिस है वजीर एक्स का, और जिस बिल्डिंग में वजीर एक्स का ऑफिस है उसी बिल्डिंग में मेरा ऑफिस भी है। ठीक है, तो उसमें आप निश्चिंत रहिए कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगी अगर आप मेरी बात मान के चलेंगे तो। ठीक है, क्योंकि आपको मैं भी फोटो दिखा देता हूँ, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में वजीर एक्स का जो ऑफिस है इसी के अंदर है, 23rd फ्लोर पे, और इसी बिल्डिंग में मेरा ऑफिस भी है। ठीक है, तो मैंने अभी उन लोग को एक ईमेल किया है जो उनके CEO फाउंडर हैं, निश्चल सेट्टी करके नाम है उनका, तो उनको मैंने एक ईमेल भी किया है और उनके ऑफिस पे एक ईमेल किया है कि मैं उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ जिसमें वो अपने वजीर एक्स कॉइन है या वजीर एक्स एक्सचेंज जो उन्होंने लॉन्च किया है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, क्योंकि अभी दोस्तों मैंने जितना उसको स्टडी किया उसमें से मुझे कुछ रेड फ्लैग्स मिले हैं, तो जिनको देखकर मैं तो इसमें भी एंटर नहीं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्कैम है या ख़राब है, ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं,
जब तक कि मेरे हाथ में प्रूफ नहीं आएगा मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, और इसीलिए तो जब तक मैं उनसे रूबरू ना मिलूँ और जब तक मैं उनसे आमने सामने एक छोटा सा इंटरव्यू ना लूँ या उनसे कुछ एक अपॉइंटमेंट लेके पूछूँ ना कि इसके बारे में खुद बताएं मुझे क्या है, तब तक मैं उसको खुद भी एंटर नहीं करूँगा और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगा। ठीक है, अब मैं वजीर एक्स के बारे में आपको पूरा बता देता हूँ क्या है। देखिए, वजीर एक्स के जो सीईओ फाउंडर है निश्चल शेट्टी, उनका नाम फोर्ब्स के टॉप 30 के अंदर है, अंडर 30 में। ओके, तो और वो एक मार्केटिंग वगैरह में है, तो उनको क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ये उनका फर्स्ट वेंचर है। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि इंडिया में जितने भी एक्सचेंजेस हैं उसमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है इंडियन कस्टमर्स के लिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई ज़ेप्पे में कुछ सी सपोर्ट की प्रॉब्लम है, ज़ेप्पे काफ़ी अच्छा है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ और इंडिया में देखा जाए तो ज़ेप्पे को छोड़ के बाकी कोई है ही नहीं, और सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है ज़ेप्पे का, मुझे अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई उसके अंदर। तो ज़ेप्पे बहुत बड़ी कंपनी है, तो उनका ये मानना है कि वो अपना खुद एक एक्सचेंज लेके आए हैं और जिससे वो कस्टमर्स को सर्विस दें क्रिप्टो करेंसी की, तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर एक और एक्सचेंज आता है उसमें ज़्यादा काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जहाँ पे अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से और इनकम टैक्स की तरफ से बैंक रेगुलेशंस इतने सारे हैं, तो इतना ज़्यादा प्रेशर है कि जितने भी छोटे मोटे जो एक्सचेंजेस थे जैसे कॉइनएक्स था और भी बहुत सारे एक्सचेंज थे, कितनों के अकाउंट्स ऑलरेडी होल्ड पे हैं या ब्लॉक किए हुए हैं या सीज किए हुए गए हैं जहाँ से विड्रॉल वगैरह पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे एक और एक्सचेंज लाना उसके साथ ट्रेडिंग करना, तो वो मुझे थोड़ा अलग लगता है कि अगर मुझे इन्वेस्ट ही करना है तो मैं क्यों ना ज़ेप्पे पे जाऊँ जो काफ़ी अच्छा है, मुझे कोई विड्रॉल वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों किसी नए एक्सचेंज के ऊपर रिस्क डालूँ कि उसमें पैसा डिपॉजिट करूँ। खैर कोई बात नहीं, मैंने उस वेबसाइट पे रजिस्टर किया, रजिस्टर करते समय उसमें से जो एक इश्यू मेरे सामने दिखा कि रजिस्ट्रेशन करते समय वो आपसे मांगते हैं आपका पैन कार्ड का प्रूफ वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, जबकि उन्होंने अभी पूरी तरह उसे लॉन्च नहीं किया है। ठीक है, एक्सचेंज उनका लॉन्च हो गया उस हिसाब से वो अगर डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं केवाईसी वगैरह के लिए तो ठीक है, और वैसे भी आप डॉक्यूमेंट्स डाल देंगे तो इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो, क्योंकि उन्होंने अपना एक्सचेंज चालू कर दिया है जिसके ऊपर आप बिटकॉइन, लाइट कॉइन और शायद डैश कॉइन की ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने पैन कार्ड वगैरह मांगा है। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है कि वो अपना वजीर एक्स कॉइन लॉन्च करना चाहते हैं और जितने भी वो मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं, वो लोग प्रमोशन कर रहे हैं, वो वजीर एक्स कॉइन के लिए कर रहे हैं, और ये कॉइन को वो लॉन्च कर रहे हैं खुद के ही एक्सचेंज पे, मतलब ये कॉइन कहीं और लॉन्च नहीं होगा, आप ये मत सोचिए कि ये बाइनेंस वगैरह पे हो जाएगा और ये बड़ी बड़ी जो एक्सचेंज है वहाँ पे हो जाएगा, कहीं नहीं होने वाला है, ये सिर्फ इसी वेबसाइट पे ही होने वाला है, तो वो भी एक खटकने वाली बात है कि कितना जाएगा। और प्रमोशन के तौर पे वो लोग ये कह रहे हैं कि आप अभी साइन अप कीजिए, साइन अप करेंगे तो आपको 100 वजीर एक्स कॉइन मिलेंगे, तो मैं बोलता हूँ 100 क्यों, 1,000 भी कॉइन देंगे तो उस कॉइन्स का मैं करूँगा क्या? ठीक है, आप मुझे 1,000 भी कॉइन्स दे दे तो मैं करूँगा क्या, जब तक कि आपका कॉइन लॉन्च नहीं होगा उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, तो ये तो एक डिजिटल करेंसी है, आप कोडिंग करके कितना भी कॉइन जनरेट करिए, कितना ही बांटिए, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे और भी वीडियोज़ हैं, वो ये बता रहे हैं कि भाई आप वजीर एक्स कॉइन पे ज्वाइन कीजिए, आपको 100 कॉइन्स मिलेगा, आपको 100 कॉइन्स मिलेगा, आप 1 महीने में लखपति बन जाएंगे, तो सब फालतू चीज़ें वो सुन के और देख के भी दिमाग खराब होता है कि भाई ये सब आप क्या बता रहे हो। ठीक है, ये एक तरह का रिफरल प्रोग्राम है, दूसरे लैंग्वेज में हम कहते हैं कि ये है एयर ड्रॉप, जो न्यू आईसीओ को लॉन्च करते हैं उसमें एयर ड्रॉप्स का होता है, यानी कि आपको थोड़े बहुत कॉइन दिए जाते हैं, आप उनका प्रमोशन कीजिए, उनको रिफर कीजिए दूसरों को, तो मैं तो किसी को अपना रेफरल लिंक कभी देने वाला नहीं हूँ या प्रमोट भी नहीं करने वाला हूँ जब तक कि मैं आमने सामने उनसे मिल ना लूँ, जान ना लूँ कि एग्जैक्टली ये क्या है। ठीक है, फिर उनकी वेबसाइट पर मैंने उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ी, क्या है वो एक नॉर्मल प्राइवेसी पॉलिसी है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन देखा उसमें कुछ ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है, और कहीं पर मुझे ये नहीं लिखा कि उनका जो बिजनेस प्लान है या वजीर एक्स कॉइन जो लॉन्च कर रहे हैं उसका फंडा क्या है, मतलब क्या बेनिफिट मिलेगा उसको ला के, वो लोग क्या करने वाले हैं, इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं लिखा, व्हाइट पेपर वगैरह तो कुछ नहीं था, एक नॉर्मल सा टर्म्स एंड कंडीशन और पॉलिसी वगैरह था। ठीक है, नेक्स्ट मैं ये कहूँगा कि देखिए किसी भी एक्सचेंज को काफ़ी अच्छे से चलने के लिए उसमें कम से कम 4 से 5 मिलियन कस्टमर्स तो चाहिए। ठीक है, 4 से 5 मिलियन कस्टमर्स का मतलब हो गया
40, सपोज करिए फॉर एग्जांपल 50 लाख के आसपास तो लोग उसमें चाहिए यूजर्स। अगर ज़्यादा उसमें यूजर्स नहीं होंगे तो आपके ट्रांजेक्शन्स कहाँ होंगे? अभी मैं अगर वजीर एक्स का जो ट्रांजेक्शन्स देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स अटके पड़े हैं। जो भी बेचारे कस्टमर्स हैं उसके अंदर 25 से 30 हज़ार तो कस्टमर्स हैं, ज़रूरी है कि 25-30 कस्टमर्स, अगर 25-30 हज़ार कस्टमर अगर वो बता रहे तो सभी लोग ट्रेडिंग कर दें, थोड़े बहुत ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस सेक्शन के तो वही लोग ट्रेड कर सकते हैं जो उस पर रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे बाय करके सेल करके अटक जाएंगे। यहाँ पता चला मार्केट 5.5 लाख आ गया, वहाँ पे आप 6 लाख 7 लाख भी अटके हुए हैं। ठीक है, तो आप करिएगा उस पर। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वजीर एक्स पे आप रजिस्टर मत करिएगा, उस पर ट्रेडिंग मत करिएगा। ठीक है, आपको करना है तो रजिस्ट्रेशन कर लो उसके अंदर, ठीक है, लेकिन फंड में डिपॉजिट करने को नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी मैंने उसमें फंड डिपॉजिट करने के लिए ट्राई किया तो वहाँ पे वो जो फंड का जो ऑप्शन बता रहे हैं वो थ्रू फेडरल बैंक बता रहे हैं, और आप उसमें फंड डिपॉजिट कर सकते हैं थ्रू UPI। ओके, और इसमें पहले आपको अपना बैंक का डिटेल्स डालना पड़ता है। आप जब अपना बैंक का डिटेल्स डाल देते हैं, फिर जब सबमिट करते हैं तो वहाँ पे उनका UPI का, तो वहाँ पे उनका फेडरल बैंक का अकाउंट दिखाता है, जिसमें अकाउंट नंबर नहीं होता है, UPI एड्रेस है। ठीक है, यानी कि wazirx@federal। ठीक है, तो इस तरह से आपको UPI के थ्रू इस एड्रेस पे पैसा जमा करना है। और मैंने Zappay से कंपेयर करके देखा तो यहाँ पे जो wazirx पे है वो प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा है कम्पेयर टू Zappay। जो ट्रेडिंग की जो अमाउंट दिख रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर Zappay पे अभी 6 लाख का रेट चल रहा है तो wazirx पे वहाँ पे 6 लाख 10 हज़ार दिखा रहा है। तो दोस्तों ये था एक wazirx के ऊपर। बहुत सारे लोग आप जो पूछ रहे थे wazirx कॉइन पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मेरा जो मैं अभी आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि ये है कि मेरा न्यूट्रल है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो स्कैम है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उसमें आप जाके अभी रजिस्टर करो। ठीक है, जब तक कि मैं सामने से बात ना कर लूँ और उसके बाद से मैं आपको बताऊँगा कि क्या आउटकम है, तो उसके बाद आपको रजिस्टर करना है तो कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको, मैं ये फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ कि मत करो, अगर आप चाहते हैं कि उस पर रजिस्टर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आपके रिस्क पे। ठीक है, आप उसमें फंड डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आपके रिस्क पे। ठीक है, तो मेरा जो काम था वो मैंने आपको बता दिया है कि अभी क्या करना चाहिए। और उनकी ऑफिस, मेरे जो ऑफिस की बिल्डिंग है सेम उसके अंदर ही है, तो जब भी कभी मुलाकात होगी तो मैं वहाँ आपसे भी जब मुलाकात करूँगा तो उसके बाद से मैं आपको उसका रिव्यू दे दूंगा। और होप अगर इफ पॉसिबल होगा तो उनके साथ जो भी मेरी मीटिंग हो रही है उसका मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर दूंगा। तो फाइनली आज दो चीज़ मैंने आपको बताया, एक तो बिटकॉइन है, इन्वेस्ट करना है तो कर दीजिए, अभी जो रेट दिख रहा है अच्छा दिख रहा है। हम अब 5.5 का वेट करने जाएंगे तो हो सकता है कि 6 का वापिस से 7 लाख भी हो सकता है, मार्केट वोलेटाइल है। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये रेट सही है, अगर 6 लाख का है या 5 लाख 80 हज़ार का भी आप लगा सकते हैं, 50% अमाउंट लगा दीजिए और बाय कर लीजिए। ठीक है, और wazirx का मैंने बता दिया है, मेरी तरफ से अभी उसमें एंटर करना सही नहीं है, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा और रिपोर्ट आने दीजिए क्या है, और उसके बाद आप चाहें तो उसमें एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स लोगों को मालूम पड़े कि wazirx में भी एंटर करना सही है या नहीं सही है, और उनको भी बिटकॉइन के बारे में थोड़ी नॉलेज मिले। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि अब जब मार्केट एक बुल फेज में जाने वाला है, ठीक है, अप्रैल में, तो कौन कौन से ओल्ड कॉइन्स पे हमें फोकस करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे ओल्ड कॉइन्स को हम बाय करेंगे। हो सकता है कल मैं वीडियो तो हो सकता है कल वो वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँ। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।